वेलकम ऑन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो एनईपी जो है आपका वो प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट हुआ है, तो एनईपी के ही अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर आपका पेपर था उसके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो एक्सप्लेन द टर्म रेजोनेंस एनर्जी। तो ये आपको भी पता है वेरी शॉर्ट में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं देना रहता है, ऐसे इतना ही लिखना रहता है जो इम्पॉर्टेंट हो और अच्छे से उस पॉइंट को एक्सप्लेन करे। तो रेजोनेंस एनर्जी के लिए आपको यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इतना कंटेंट सफिशिएंट है। ठीक है, क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बट लॉन्ग में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है रेजोनेटिंग एनर्जी। चैनल पे आप जाओगे तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड के नेम से आपका बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाके आप ये लेक्चर देख लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने कंपैरिजन भी किया है रेजोनेंस क्या होता है, कई सारे टाइप्स बताए हैं रेजोनेंस के, सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई है। तो अगर वहाँ से आप कवर करोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज वेरी शॉर्ट के लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देती हूँ किसका मीनिंग क्या है। तो रेजोनेंस एनर्जी जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के, और मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरोमेटिसिटी के। अब ये एरोमेटिसिटी क्या होता है, तो एरोमेटिसिटी मीन सिंपल है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो जो हमारे एरोमेटिक होंगे उनकी रेजोनेटिंग एनर्जी हायर होगी एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक, एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब उसके बाद कुछ डेटा है वो आपको याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेंजीन का रेजोनेटिंग एनर्जी होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और उसके बाद पिरिडीन का आप उसमें वहां पे मेंशन कर दोगे कि पिरिडीन का जो रेजोनेटिंग एनर्जी होता है वो होता है हमारा 28 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है इतनी चीजें। और यहां पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, सेम वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया है। ऊपर अगर आप देखोगे तो द रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल की। अब इसको समझना कैसे, तो सिंपल सा है, कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड आपको मिला हुआ है, आपने उसके कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से जो सबसे स्टेबल होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी रेजोनेटिंग एनर्जी उतनी ही हायर होगी। अब इसमें हमने जब हम लोग डिटेल में इसको पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने काफी पॉइंट डिस्कस किए थे, लाइक इसका इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि किसकी रेजोनेटिंग एनर्जी हायर है किसकी लोअर है, ये सारी चीजें काफी डिटेल में हमने कवर की है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं आप चैनल पे जाओ, वहां पर जाके आप मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना कंटेंट बहुत है इसके लिए। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CLF3। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करोगे, आई होप कि आपने मेरे हाइब्रिडाइजेशन यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड इन दोनों के लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि मैंने इसमें आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर, VBT, ये MOT सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में बताई है। प्लस क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, क्वेश्चन आगे तो क्विक केस किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर बताया है। तो आप चैनल पे जाओ, जाके वो प्लेलिस्ट ओपन करो और सारे लेक्चर्स अटेंड करो। ठीक है, वैसे कल एग्ज़ाम है तो फिर देखे होगे तो फिर आप कर ही लोगे ये क्वेश्चन, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा, तो सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने का सबसे ईजी मैथड है कि सबसे पहले हमें क्या चेकआउट करना है कि यहाँ पे हमारा लीस्ट नंबर ऑफ एटम क्या है। लीस्ट नंबर ऑफ एटम मीन्स क्या है कि सबसे कम नंबर में कौन सा है, तो क्लोरीन है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारा 3 है तो ये तो सेंट्रल एटम होगा नहीं, क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन को सेंटर में कर दो। अब जो सेंट्रल एटम है हमारा इसका हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा होता है H=1/2V+M-C+A। V क्या होता है हमारा यहां पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। M क्या होता है हमारा यहां पे, मोनोवैलेंट। सी हमारा क्या होता है, केटायन। और ए हमारा क्या होता है, एनायन। ये चीजें क्लियर है।
ठीक है, एच इज इक्वल टू वन अपॉन टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ये हमारा फॉर्मूला है। वी हमारा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, एम हमारा होता है मोनोवैलेंट एटम, सी हमारा केटायन है और ए हमारा क्या है, एनायन है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एच इज इक्वल टू वन अपॉन टू, वी क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया कि क्लोरीन यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लोरीन का कॉन्फिग्रेशन हमारा होता है 287, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। प्लस मोनोवैलेंट एटम की बात हो रही है, एम मोनोवैलेंट में मैंने आपको बताया था फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, ये सभी हमारे किस में आएंगे, मोनोवैलेंट में आएंगे, तो यहाँ पर हमारा फ्लोरीन है, मीन्स फ्लोरीन हमारा किस में आएगा, मोनोवैलेंट में। मोनोवैलेंट होता क्या है तो आपको अच्छे से पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जिसकी वन इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में आएगा, मोनोवैलेंट में, जिसमें टू होंगे वो बाईवैलेंट, तीन होंगे ट्राईवैलेंट, फोर होंगे टेट्रावैलेंट, इस तरीके से चलता है हमारा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में सिर्फ हमें मोनोवैलेंट ही मेंशन है तो हमें मोनोवैलेंट देखना होगा, तो यहां पर फ्लोरीन जो है हमारा वो मोनोवैलेंट है, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 7+3 कर देंगे। उसके बाद हमारा केटायन और एनायन है, तो आप इस क्वेश्चन में देखो ना कोई केटायन है ना ही कोई एनायन है, केटायन एंड एनायन मींस क्या है यहां पे, तो पॉजिटिव चार्ज एंड ए क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, कोई भी ए हमारा क्या है, एनायन है, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, सी हमारा क्या है, केटायन है, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इन दोनों को तो जीरो ही ले लेना है। तो 7+3 हो गया हमारा, अब H इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 7+3 कितना आएगा, 10 आएगा, 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो H इज इक्वल टू 5, 5 के लिए हमारा कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है 5 के लिए, sp3d, ओके। तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा आ गया कि ठीक है हमारा क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3d होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि इसके बाद से अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है कि इसका स्ट्रक्चर बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लेंगे, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के बाद उसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो क्लोरीन का हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो हमारा आया sp3d, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हो गया, अब आप देखो क्लियर है, इरेज कर दे रही हूँ मैं। ठीक है, अब sp3d के लिए क्या होता है हमारा, तो sp3d के लिए हमारा होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हमारा क्या होता है, ज्योमेट्री होती है sp3d की। ठीक है, अब हम लोग सेम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे clf3 को, लेकिन ज्योमेट्री ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ लोन पेयर को निकालने का सबसे इजी मेथड क्या है, तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देख लो, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, H- कॉर्नर एटम। लोन पेयर को फाइंड आउट करने का सबसे ईजी मैथड यही है। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू H- ca। अब नंबर ऑफ लोन पेयर हमें निकालना है, इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना आया था, 5 आया था, तो 5 माइनस कॉर्नर एटम हमारे कितने हैं, फ्लोरीन 3 हैं, तो 5-3 इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ लोन पेयर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, सबसे पहले क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है। हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल लिया, आया हमारा sp3d, 5 के लिए sp3d होता है। ठीक है, अब sp3d हमारा आ गया, sp3d के लिए हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है। क्लियर है इतनी चीज़ें, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लोन पेयर निकाल लेंगे। तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन माइनस कॉर्नर एटम्स, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कितना था, 5 था, कॉर्नर एटम हमारे कितने, 3 हैं, तो 5-3 की हम लोग लोन पेयर हमारा आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो क्लोरीन हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लोरीन तो हमारा सेंटर में रहेगा, दो लोन पेयर हैं हमारे, तो वेस्पर के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा मेमोराइज करो। तो वेस्पर जब मैं आपको रिकॉल करूँ, जब मैं आपको वेस्पर पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर जो हमारा होता है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें वेस्पर के अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर हमारे पास लोन पेयर है तो उसको हम लोग एक्सियल पोजीशन पे कर देंगे। ठीक है, तो लोन पेयर यहाँ पे हमारा आ गया एक्सियल पोजीशन पे, एक फ्लोरीन यहाँ, सेकेंड फ्लोरीन यहाँ, थर्ड फ्लोरीन यहाँ। अब ये हमारा क्या है, यही हमारा CLF3 का स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर हुई चीज़ें,
ये हमारा CLF3 का स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, मे बी अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत टाइम टेकन है, बट ये टाइम टेकन बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, 2-3 क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करो, ऐसे करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका CLF3 का स्ट्रक्चर यही होगा, वेट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्कस अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल को हम लोग को डिस्कस करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि वेरी शॉर्ट में, तो बहुत डिटेल में तो हमें पढ़ना नहीं होगा, बट अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मुश्किल से 12-13 मिनट की मेरी एक वीडियो है, आप जाओ चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम लगेगा प्लेलिस्ट में ढूंढने में, तो कोई भी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं प्रिपेयर है, तो आप सिंपल जाओ YouTube पे जाके आप सर्च करो, ये हो गया था ना, इसको रिस्ट कर देती हूँ मैं। YouTube पे जाके आप सर्च करो रूपा मैम, ठीक है। और उसके बाद जो भी टॉपिक है, लाइक अभी अफवाह प्रिंसिपल है, वो आपको लग रहा है नहीं मुझे थोड़ा डिटेल में समझना है, तो आप जाओ जाके सर्च करो रूपा मैम, उसके बाद अफवाह प्रिंसिपल, ठीक है, आपका लेक्चर आ जाएगा। ओके, कोई भी टॉपिक हो, चाहे VBT हो, MOT हो, मैं तो यही कहूँगी VBT, MOT वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप जाना जाके मेरी वीडियोस में देखना, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, प्लस आपको शॉर्ट ट्रिक भी दी है, तो अगर आप वहाँ से कवर करोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वैसे छोड़ो, अभी हम लोग अफवाह प्रिंसिपल समझते हैं, ठीक है। अफवाह प्रिंसिपल क्या, आपको वेरी शॉर्ट में लिखना है, तो ये आपको भी पता है वेरी शॉर्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट की ज़रूरत है नहीं, बस हमें इतना लिखना है कि हाँ ठीक है, एग्जामिनर को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अफवाह प्रिंसिपल क्या है, ये बच्चे को पता है और उसने वो चीज़ हमें कॉपी में लिख के दी है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट है तो कुछ भी लिख देंगे हम लोग, शॉर्ट है तो हम लोग को उतना ही कंटेंट देना है। लाइक अभी आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे भी तो बहुत ज़्यादा नहीं आपको लिखना है, मुश्किल से 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करने हैं अपने आंसर, तो 50 वर्ड्स में कंप्लीट करने के लिए हमें ऐसा कंटेंट देना होगा कि एग्जामिनर को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ बच्चे को पता है कि अफवाह प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो अफवाह प्रिंसिपल अगर आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ इसमें क्या है। तो अफवाह प्रिंसिपल में तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले स्टार्टिंग में लिख देना कि अफवाह इज अ जर्मन वर्ड विच मीनिंग इज बिल्डिंग अप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि अफवाह एक साइंटिस्ट का नेम है, जो कि ऐसा नहीं है। अफवाह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ को बनाना, दैट इज द अफवाह, क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं द अफवाह प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी वंस। अफवाह इज जर्मन फॉर बिल्डिंग अप। बाय फॉलोइंग दिस रूल वी कैन प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फॉर एटम्स और आयंस। सिंपल सी बात है, अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम लोग फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले लोअर एनर्जी में करते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी में जाते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोग कैसे करते हैं, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले जिसकी एनर्जी लो रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर उससे हायर जिसका रहेगा उसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम लोग करते हैं, ये चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद आप ये पॉइंट तो ज़रूर लिख देना कि अफवाह जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द अफवाह प्रिंसिपल डिक्टेट्स द मैनर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। सेम वही चीज़ है, और करके आप इसको सेकेंड डेफिनेशन के भी फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर हुआ इतना। अब अगर अफवाह प्रिंसिपल आपको वेरी शॉर्ट में पूछे, शॉर्ट में पूछे, कैसे भी पूछे, आप ये वाला डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कर देना, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद आप इसमें बता देना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स इस तरीके से, ठीक है। अफवाह ने यही हमें दिया था, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्लस ये जो डायग्राम है अगर इसको आप रटना नहीं चाहते हो तो आप जाओ, 13 मिनट की मेरी वीडियो है या 12 मिनट की ही है, आप वहाँ से जाके देखो, मैंने वहाँ पर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताया है कि ये आप किस तरीके से बना सकते हो। तो वहाँ पर आप जाओ चैनल में, अगर प्लेलिस्ट में ढूंढना है तो वहाँ पर ढूंढ लो, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करो रूपा मैम अफवाह प्रिंसिपल, मेरा लेक्चर आ जाएगा, 13 मिनट का है, उसे आप देखोगे तो आप अच्छे से क्लियर हो जाओगे कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में तो आया ही है। क्लियर हुई इतनी चीज़ें, समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट करना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगी, ओके। अब आप देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारा,
कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन लिथियम एटम। अब ये हमारा यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है, लिथियम एटम के आउटर मोस्ट के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन उसका हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी स्लेटर्स रूल वाली तो आपको अच्छे से पता होगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं, लिथियम का हमें निकालना है। हाँ, क्या निकालना है हमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब लिथियम का निकालना है आउटर मोस्ट का, तो सबसे पहले तो हमें लिथियम का कॉन्फिग्रेशन लिखना होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पर जेड क्या होता है, वेट। सबसे पहले स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन में है हमारे, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा या नहीं, वेट। हाँ, अब क्वेश्चन आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया रेजोनेंस एनर्जी क्या है वो हो गया है, सेकंड हमने CLF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, थर्ड हमारा वाउ प्रिंसिपल है अभी जस्ट हमने समझा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन लिथियम एटम। लिथियम एटम के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में लिथियम ही दे, कोई भी एलिमेंट देगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस एलिमेंट को लिखोगे, सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताओ, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला हमारा क्या है, जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर जो हमारा जेड है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जेड इज एटॉमिक नंबर। सिग्मा क्या है यहाँ पे हमारा, सिग्मा कॉन्स्टेंट या स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, तो जेड हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है, 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब माइनस सिग्मा, सिग्मा के लिए हम लोग को क्या करना है, जब मैं आपको बता रही थी स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट स्लेटर्स रूल जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो मैं आपको सजेस्ट करी हूँ आप जाके मेरी स्लेटर्स रूल वाली वीडियो देखो, मैंने काफ़ी ईजी वे में उसको बताया, ठीक है, प्लस कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाओगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जिन बच्चों ने देखी होगी तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, पहले आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर आंसर मैच करो, ठीक है। तो करते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर जेड हमारा आ जाएगा 3। सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है। तो 2s1 आउटर मोस्ट इस इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है। जिस भी इलेक्ट्रॉन का हमें सिग्मा वैल्यू निकालना रहता है उस इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट के जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैल्यू हम लोग 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर तो लिथियम का निकालना है, तो यहाँ पर तो बाहर में कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो 0 ही लेंगे, प्लस हमें आउटर मोस्ट का ही निकालना था तो बाहर कुछ होगा ही नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 ही ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा था, 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे सिग्मा में। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जिस भी इलेक्ट्रॉन का आपको सिग्मा वैल्यू निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को आप सर्कल कर लो, ठीक है। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन से बाहर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैल्यू हमें 0 ले लेनी थी। तो हमारे क्वेश्चन में ये है कि हमें आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 2s1 है, तो ऑब्वियस सी बात है जब यही आउटर मोस्ट है तो बाहर के तो सबके कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो वैल्यू तो 0 लेनी ही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या था, तो सेकेंड पॉइंट हमारा था कि उस सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.36 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो 2s1 ही है, इस सेल का कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेल का मतलब समझ में आ रहा है आपको, 2 है ये 1, फर्स्ट सेल हमारा 1 है, सेकंड हमारा 2 है। अब आप देखो 2 ही सेल में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मींस ये वाला पॉइंट भी नहीं होगा यहाँ पर यूज। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि जिस सेल का हमें निकालना है, जिस सेल के इलेक्ट्रॉन का, जिस इलेक्ट्रॉन का हमें जेड इफेक्टिव या जिस इलेक्ट्रॉन का हमें सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करना है उसके पीछे मीन्स इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 0.86 से, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये था कि जो जस्ट लाइक इस इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है इसके जस्ट बाद वाला जो रहेगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 0.86 से। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हमारा था
कि उस इलेक्ट्रॉन के बाद जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप लिथियम को मत देखो, आप सोचो कि अगर कोई और भी एलिमेंट अगर आपको मिला है तो आप कैसे करोगे। वेट, इसका निकालना है, ठीक है। इसके बाद वाला हमारा शेल ये है। सपोज कि कोई हमें ऐसा एलिमेंट मिला है जिस इलेक्ट्रॉन का हमें सिग्मा वैल्यू निकालना है, तो उसका तो छोड़ देंगे, उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका मल्टीप्लाई 0.36 से करेंगे। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन के जस्ट पीछे जो शेल रहेगा, उस सेल के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका मल्टीप्लाई हम लोग 0.86 से करेंगे, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। अब उसके बाद भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उन सभी का मल्टीप्लाई हम लोग 1.00 से करेंगे, मींस 1 से कर देंगे। क्लियर है? अब आप यहाँ पर देखो, हमें लिथियम का कैलकुलेट करना है, तो लिथियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2s1 का तो हमें निकालना था, इसके बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 ले लेंगे। इस सेल में भी नंबर 2 शेल का भी कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो मीन 0.36 से भी हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल हमारा था जिस शेल के इलेक्ट्रॉन का आपको सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करना है उसके जस्ट बाद वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 2 हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से, ठीक है। अभी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ओके, मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो फोर्थ रूल था हमारा कि इस सेल के बाद भी जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो इस सेल के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मींस 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिग्मा वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया। 2 को अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.86 से, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.7, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये क्लियर है ना, 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है 0.86 से, ओके। अब यहां पर ये चीज क्लियर हो रही है, ये हमारा कितना था, 3 था, सिग्मा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 0.86 इज इक्वल टू, अब बस यहां पर हम लोग सिंपल वैल्यू लिख देंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1.7, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको अच्छे से। तो बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए, सिर्फ इसी 4 पॉइंट्स को याद रख के अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो इजीली आपका हो जाएगा। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला याद रखना है, जेड माइनस सिग्मा, जेड में आपको एटॉमिक नंबर पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद 0.86 से लाइक जो 4 मैंने बताए हैं रूल्स, उन 4 रूल्स को याद करके उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ जाके आप स्लेटर्स रूल वाली वीडियो देखो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है। अभी समझ में आया लिथियम का किस तरीके से करना है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा, राइट द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ 2 ब्यूटीन, विच ऑफ देम विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट। तो इस क्वेश्चन को देखो, आप 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें सिस और ट्रांस आइसोमर बताना है 2 ब्यूटीन का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डाइपोल मोमेंट बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर बनाते हैं 2 ब्यूटीन का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनाएंगे 2 ब्यूटीन का, ओके। तो बनाते हैं सबसे पहले, तो सिस में आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे एटम्स रहेंगे वो एक तरफ रहेंगे, और ट्रांस में हमारे क्या होते हैं, अपोजिट साइड चले जाते हैं। वन मिनट, ओके, ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। क्या करना है हमें इसमें, सिस एंड ट्रांस को बताना है, ठीक है। तो देखो आप, सिस एंड ट्रांस में, सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लियोगे अगर आपने स्टीरियो आइसोमर्स वाली वीडियो देखी होगी तो। अगर नहीं देखी है तो चैनल पे जाओ जाके, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे वीडियोस देखो, क्योंकि मुझे भी पता है कल ही आपका एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, तो आप सिर्फ जाओ, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप उस पर सर्च करो, आपको आ जाएगा, ठीक है। या फिर नेम करके, अगर आपको मेंटोर्स के नेम पता है तो फिर आप उस हिसाब से करो, अदरवाइज आपको जो टॉपिक समझना है आप वो टॉपिक मेंशन करो, उसके बाद चैनल का नेम लिख दो लेट्स स्टडी इंडिया, फिर वो आपका टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। बस टॉपिक वाइज भी अगर आप कवर करोगे तो फिर इजिली कवर हो जाएगा। खैर यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ 2 ब्यूटीन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सिस एंड ट्रांस आइसोमर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसका डाइपोल मोमेंट बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सिस बनाना है। सिस में हमारा क्या रहेगा, सेम साइड रहेगा,
ठीक है, और सिस में हमारा सेम साइड रहता है, आपको अच्छे से पता है। ये हमारा क्या है, सिस है, ये हमारा क्या है, सिस है। अब ट्रांस बना लेते हैं, ये सिस क्लियर हो गया ना, टू ब्यूटीन का हमें बनाना है, ठीक है, मेथेन प्रोब्यूट, चार कार्बन रहेंगे तो टू ब्यूटीन का हमें बनाना था। तो ये हमारा सिस है, जो हमारा सी एस थ्री है वो एक साइड रहेगा, जो हमारा एच है वो एक साइड रहेगा। ये आपको अच्छे से पता है किस तरीके से करते हैं, आपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो सिस हमारा ये, ट्रांस में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, सिस क्लियर है ना। अब मैं ट्रांस बनाने जा रही हूँ, ट्रांस में होगा क्या हमारा, तो ये सी एस थ्री हमारा यहाँ आ जाएगा, एच हमारा वहाँ चला जाएगा, क्योंकि ट्रांस का मीनिंग ही क्या होता है, अपोजिट, सिस का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर। तो सिस हमारा हो गया, ट्रांस बनाते हैं हम लोग, ट्रांस में हमारा यहाँ आ जाएगा सी एच थ्री, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एच, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सी एच थ्री और यहाँ पर आ जाएगा एच। तो ये हमारा हो गया ट्रांस। तो सिस भी हमने बना लिया, ट्रांस भी बना लिया, तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन था हमारा वो हमारा हो गया है। फर्स्ट पोर्शन में हमें क्या करना था, सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनाना था टू ब्यूटीन का, ठीक है। तो टू ब्यूटीन का हमने पहले, सबसे पहले क्या किया, सिस आइसोमर बनाया। सिस में हमने क्या किया, सी एस थ्री हमारे ऊपर थे, एच एच हमारे नीचे थे, ठीक है। सी एस थ्री हमारा सेम साइड, एच हमारा एक साइड पे था, क्लियर है। तो वो हमारा सिस था। ट्रांस में हमने क्या किया, सी एस थ्री हमारे अपोजिट साइड आ गए और जो हाइड्रोजन था हमारा वो अपोजिट साइड था, क्लियर है। तो फर्स्ट पोर्शन हमने कवर कर लिया है। सेकंड पोर्शन जो है हमारा, विच ऑफ द हैव हायर डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट हायर है, अब ये समझते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं पहले दोनों एक साइड बना देती हूँ, ये आपका है, ये आपका है सिस, और ये आपका है ट्रांस। अब बताना है हम लोगों को डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा कि डाइपोल मोमेंट में हमारा किस तरीके से होता है। तो आप देखो, डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आएगी। यहाँ पर आप देखो कि दोनों जो हमारे हैं, ये जो दोनों हैवियर एटम अगर हम कहें तो दोनों एक साइड हैं, और जो हमारे लाइटर हैं ये एक साइड है, अगर हम लोग इस तरीके से समझें। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एक साइड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सिर्फ इसी को आप मत देखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या है, डायपोल मोमेंट को कैसे हैंडल करना है। तो आपको ये देखना है कि सिस में डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। सिस में जो आपको डायपोल मोमेंट होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, और ट्रांस में आपका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। रीज़न क्या है, ये चीज़ हम समझते हैं। ये डायपोल मोमेंट वाली बात क्लियर हो गई ना, कि सिस में हमारा क्या होगा, डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रांस में हमारा डायपोल मोमेंट इज़ इक्वल टू जीरो। रीज़न क्या है इसका, तो इसका रीज़न ये है, आप खुद से भी थोड़ा इमेजिन करो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होगी, तो ऑब्वियसली बात है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, डायपोल क्रिएट हो जाएगा। तो यही रीज़न है सिस में कभी भी जो डायपोल मोमेंट होता है हमारा वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। लेकिन ट्रांस में क्या होगा, ये अपोजिट पोजिशंस पे आ गए, अपोजिट पोजिशन पे, तो यहाँ पर क्या होगा, डायपोल क्रिएट ही नहीं होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यही रीज़न है कि ट्रांस में हमेशा हमारा जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। अब मैं एक एक पॉइंट अगर लिख के बताऊं तो फिर वो चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो, कंटेंट आपके पास होगा ही, ठीक है। बस हमें यहाँ क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। क्वेश्चन हमारा दो पोर्शन में था, पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना हम लोग को सीखना होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। आप इस क्वेश्चन को देखो, दो पोर्शन में हमें दिया है। सबसे पहले हमें टू ब्यूटीन का सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनाना था, तो हमने टू ब्यूटीन का सिस एंड ट्रांस आइसोमर बना दिया। ये हमारा क्या है, टू ब्यूटीन है, ठीक है। टू ब्यूटीन का सिस ये है, ट्रांस ये है, ठीक है, ट्रांस ये है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द हैव हायर डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट हायर है। तो डायपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सिस में हमारा डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ट्रांस में हमारा डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा, सॉरी, सिस में हमारा डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रांस में हमारा डायपोल मोमेंट जीरो होगा। पूछा है हायर, तो ऑब्वियस सी बात है हायर सिस का ही होगा, क्योंकि इसका तो जीरो हो गया, और सिस में तो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हायर किसका होगा, सिस का ही होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, जब भी डायपोल मोमेंट में कंपैरिजन होगा तो सिस का ही हायर होगा। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3 फ्री रेडिकल एंड CH3 कैटायन. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3 फ्री रेडिकल है ये, और वो हमारा क्या है, CH3 कैटायन की बात हो रही है. ठीक है, निकालते हैं इसको हम लोग. इसका करना है और हमें इसका करना है. ठीक है, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है. फॉर्मूला इसका हमारा होगा H इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ई. ठीक है, फिर H इज इक्वल टू 1/2 वी हमारा क्या होता है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के वैलेंस सेल में होते हैं 4 हमारे, प्लस मोनोवैलेंट हमारा कितना है 3. अब ये जो फ्री रेडिकल है इसको हम लोग कैटायन के फॉर्म में लेंगे. लाइक ये कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में लेंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4+3 7, 7 में माइनस 1 करेंगे 6 इज इक्वल टू 3. 3 के लिए क्या होता है, sp2 आ गया. अब इसको करते हैं हम लोग, H इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए. यहाँ पर H इज इक्वल टू 1/2 वी क्या है, वैलेंस सेल है, तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस मोनोवैलेंट हमारा क्या है, 3 है. अब यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स केटायन, तो फिर माइनस 1 हो जाएगा. H इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4+3 7 माइनस 1 6, फिर H इज इक्वल टू 1/2 6 2 3 जो 6 3 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आएगा, sp2. तो दोनों का हमारा क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा. क्लियर हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. आई थिंक राइटिंग के लिए अब कमेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी. एक बार मैं बोल देती हूँ, H इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए. ये फॉर्मूला आपको पता है, H इज इक्वल टू 1/2 वी क्या है हमारा, वैलेंस सेल है, तो कार्बन के वैलेंस सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं, प्लस हाइड्रोजन हमारा क्या है, मोनोवैलेंट है, तो 3 हो गया. फ्री रेडिकल को हम लोग ऐसा कैटायन लेंगे तो माइनस 1, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 3. 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2. सेम यहाँ पर हमने किया है CH3 पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो H इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए हमारा फॉर्मूला है. H इज इक्वल टू 1/2 कार्बन के वैलेंस सेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 प्लस हाइड्रोजन हमारा 3 है, तो 4+3 माइनस, पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा. तो H इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 6, फिर H इज इक्वल टू 3. 3 के लिए क्या होता है, sp2 होता है. क्लियर हुआ इतना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो फिर कमेंट में ज़रूर करना. ठीक है, अब ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कर लिया हमने, डायपोल मोमेंट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया. ठीक है, अब 7 क्वेश्चन है हमारा. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. तो फटाफट से शॉर्ट में समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज. लाइक सिंपल, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे. इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग. इसलिए मैं कहती हूँ ना कि कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, अब जाओ चैनल पे प्लेलिस्ट में ढूंढने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा. तो आप बस टॉपिक का नेम लिखो, टॉपिक का नेम लिखो, फिर अगर मेंटोर का नेम आपको लर्न है तो फिर आप वो लिख दो वहाँ पे, अदरवाइज बस टॉपिक का नेम लिखो और चैनल का नेम लिखो, आपका वो टॉपिक आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाए गए हैं, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको भी पता होगा. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को. तो फटाफट से क्लासीफाई करते हैं हम लोग. अब पहले अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो पहले आप खुद से क्लासिफाई करो, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ. ये क्लियर है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ. ओके, यहाँ पर ये जो हमारा CN- है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि इसमें दो आपके इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक है, और दो आपके न्यूक्लियोफाइल हैं. ओके, अब आप इसको करो, तो यहाँ पर वीडियो को पहले पॉज करो, फिर आप लोग खुद से करो, तब तक मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ. ठीक है, ये हो गया था, इसको रेस्ट कर देते हैं हम लोग. क्या क्या है हमारा, CN माइनस है, Br प्लस, फिर है हमारा H2O, और फिर है हमारा BF3. ठीक है, अब इसको हम लोग फटाफट से लिखते हैं. तो CN माइनस है, ऑब्वियस सी बात है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो डोनेट करना चाहेगा,
तो इलेक्ट्रॉन्स तो और लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चार्ज स्पीसीज जो होती है रेजोनेंस में जब हम लोग पढ़ रहे थे, सब कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। वैसे मैडम ने भी आपको बताया होगा जब वो आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बता रही होंगी कि जो चार्ज स्पीसीज होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। तो कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहेगा। सेम यहाँ पर हमारा साइनाइड भी है, वो नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे, तो वो क्या चाहेगा कि उसको डोनेट कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब Br ब्रोमीन हमारा क्या है, प्लस है। अब प्लस मींस क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अभी जस्ट मैंने बताया चार्ज स्पीसीज जो होते हैं लाइक कोई भी एलिमेंट है तो वो अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहेगा, वो चाहेगा गेन करके या फिर लॉस करके मैं न्यूट्रल हो जाऊं। तो ब्रोमीन भी सेम वही चीज़ सोच रहा होगा कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाते तो मैं क्या होता है, स्टेबल हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। तो ब्रोमीन अभी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो मींस इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन की नीड है इसे। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो चार्ज अगर रहेगा किसी भी कंपाउंड पे या एलिमेंट पे तो उसे कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब H2O हमारा क्या होता है, तो H2O हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है और BF3 हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, हायर होती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि दो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, दो न्यूक्लियोफाइल होंगे। हो गया क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के आपने लेक्चर्स देखे होंगे, प्रियांशु मैम ने आपको पढ़ाया काफ़ी डिटेल में, तो अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा किस तरीके से हमें अटेंड करना है इस क्वेश्चन को। करते हैं फटाफट से, यहाँ पे हमें क्या करना है, RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका करते हैं हम लोग, ये क्या है आपका, ये तो आपको पता होगा कि इस टाइप का जो प्रोजेक्शन होता है ये हमारा क्या होता है, फीसर प्रोजेक्शन होता है, और ये हमारा क्या होता है, वेजडेस प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फीसर प्रोजेक्शन है, ये हमारा क्या है, वेजडेस प्रोजेक्शन है, ये चीज आपको पता है। तो सबसे पहले फीसर प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, CHO OH CH3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो करते हैं इसको हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फीसर प्रोजेक्शन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर। उसके बाद सेकेंड नंबर किस पे जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो सेकेंड नंबर कौन से कार्बन पे जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है। तो यहाँ पर आप देखो CHO में कार्बन हमारा ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्ड है, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड यहाँ पर आप देखो तो सी क्या है, H से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर रहे हैं, तो पहले तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे किसमें ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जुड़ा हुआ है या किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो आप देखो CHO है, तो सेकेंड नंबर हमारा किस पे चला जाएगा, CHO पे, थर्ड नंबर हमारा आ जाएगा CH3 पे, और फोर्थ नंबर हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन पे। ये क्लियर है, फर्स्ट नंबर हमारा OH पे, दोनों कार्बन थे तो हम लोग, तो फिर दोनों कार्बन है तो फिर किस पे जाएगा सेकंड, किस पे जाएगा थर्ड। तो उसके बाद हम लोग चेकआउट करेंगे कि जो हमारा कार्बन है किसके साथ बॉन्डिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ किया था, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ किया था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब आप कंपेरिजन करोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हायर है, तो इसीलिए सेकेंड नंबर उस पर चला जाएगा, थर्ड नंबर हमारा CH3 पे आएगा, फोर्थ नंबर हमारा हाइड्रोजन पे आएगा। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो आपने RS कॉन्फ़िगरेशन में देखा होगा कि S जो हमारा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और R जो हमारा होता है वो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, S जो हमारा होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और R जो हमारा होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेकआउट करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, चेक करते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ही करो, ठीक है, उसके बाद मैच करना। तो यहाँ पर आप देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, रोटेशन कराएंगे, तो इस तरीके से हमारा रोटेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है,
क्लियर है, इतनी चीजें समझ में आ रही है ना। एस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, आर क्लॉकवाइज होता है। तो अभी इसमें मैंने बताया नहीं है कि क्या एंटी क्लॉक है क्या क्लॉक है, अभी हम लोग चेकआउट करेंगे। तो फर्स्ट है, अब हमें मूवमेंट कराना है। तो ये आपको पता होगा अच्छे से कि फोर्थ को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर फोर्थ हमारा हॉरिजेंटल पोजिशन पे हो तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका मूवमेंट होगा, तो ये किस तरीके से होगा, फर्स्ट फिर सेकेंड और फिर थर्ड, इस तरीके से मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बताओ आप लोग मुझे। ये जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, घड़ी तो सबके पास होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देखो इसको, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है हमारा, ठीक है। ये कैसा मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो ऐसे घूमती है ना, तो वो क्लॉकवाइज होगा। ये कैसे अपोजिट जा रहा है, तो ये क्या हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप चेक करो क्या है हमारा, एस है। क्लियर हो गया इतना, इतनी चीज़ें समझ में आई हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर चेकआउट करेंगे। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का था, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर से करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का था, तो फर्स्ट नंबर इस पे चला गया। सेकेंड नंबर करने के लिए हमने देखा कि दोनों हमारा क्या है, कार्बन ही है। हाइड्रोजन का तो सबसे कम होगा, तो उसको तो लेना ही नहीं था। इसमें यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो जब सेम एलिमेंट आ जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग चेकआउट करेंगे कि वो एलिमेंट किसके साथ बॉन्डेड है। तो यहाँ पर आप देखो, ये एलिमेंट जो हमारा CHO है, सी हमारा O के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है, और यहाँ पर सी हमारा हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया हुआ है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड नंबर किस पे चला जाएगा, CHO पे जाएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर किस पे आएगा, CH3 पे, और हाइड्रोजन तो भाई उस पे फोर्थ ही जाएगा, ठीक है, सबसे लास्ट में। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चेकआउट करेंगे कि किस तरीके का रोटेशन यहाँ पर हो रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ हमें अच्छे से पता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस, क्लॉकवाइज होगा तो आर। अब यहाँ पर हमने चेक किया किस तरीके से करते हैं हम लोग रोटेशन चेक, तो फर्स्ट फिर सेकंड, फोर्थ को तो इग्नोर करते हैं अगर हॉरिजेंटल पोजीशन पे है तो फोर्थ को तो लेंगे ही नहीं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ की बात खत्म। तो ये जो है हमारा, ये किस तरीके का हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो इसका कॉन्फिग्रेशन हमारा कितना आया, तो इसका कॉन्फिग्रेशन हमारा कितना होगा, एस आया, एस कितना आया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि क्या इसका SE होगा, तो अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे ये जो S हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मींस अगर S पे आता है और अगर हॉरिजेंटल पोजीशन पे हमारा फोर्थ वाला रहेगा तो फिर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। यही अगर वर्टिकल पे होता तो चेंज नहीं होता, लेकिन फोर्थ वाला हमारा किस पे, हॉरिजेंटल पोजीशन पे है, तो इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज आया तो है हमारा, एस एंटी क्लॉकवाइज आया, लेकिन जो फोर्थ वाला है हमारा वो हॉरिजेंटल पोजीशन पे, इसीलिए ये हमारा एस ना होकर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मींस इसका कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। था एस लेकिन फोर्थ वाला हॉरिजेंटल पोजीशन पे है, तो अगर फोर्थ वाला हमारा हॉरिजेंटल पोजीशन पे होगा तो उसका जस्ट अपोजिट हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर आ रहा था हमारा एस, लेकिन फोर्थ वाला हॉरिजेंटल पोजीशन पे था, इसलिए अपोजिट लिख देंगे, मींस इसका कॉन्फिग्रेशन क्या रहेगा हमारा, आर रहेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से, आई थिंक अब तो समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो भी आप कॉमेंट में करना, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। क्लियर हुआ इतना। तो फीसर प्रोजेक्शन का हमने निकाल लिया कि अच्छा इसका आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेजडेस वाला सॉल्व करना है। तो इसका कितना आया कॉन्फ़िगरेशन हमारा, आर आया है। वेजडेस का सॉल्व करते हैं, वेजडेस का क्वेश्चन क्या है, CH3 फिर क्या है, C2H5 अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा। तो आई थिंक वो वाला कॉन्फ़िगरेशन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमारा क्या है, वेजडेस पे है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वेजडेस कॉन्फ़िगरेशन है तो वो रूल नहीं होगा, सेम ही रूल दोनों में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको चेक करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप वेजडेस को अब आपको फीसर में चेंज करने की ज़रूरत है, इसी में करेंगे हम लोग। इसको मैं लिख देती हूँ, ये क्या हमारा H है, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, एटॉमिक नंबर
तो ये हमारा किस पे, फर्स्ट पे। सेकंड हमारा किस पे जाएगा, तो यहाँ पर आप देखो सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सी है, दोनों में सी सी है। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखेंगे कि जो हमारा कार्बन है वो किससे डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है सी टू है, मीन्स कार्बन किससे डायरेक्टली बॉन्ड होगा, सी से। यहाँ पर सी किससे बॉन्डिंग करेगा डायरेक्टली, हाइड्रोजन से। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो इसीलिए सेकेंड नंबर हमारा किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर हमारा इस पे, और फोर्थ नंबर हमारा इस पे। अब आप यहाँ पे चेकआउट करो, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड, ये सी है, और ये हमारा फोर्थ, ठीक है, ये है। अब आप यहाँ पर देखो किस तरीके का यहाँ पर हमारा मोमेंट होगा, या किस तरीके का यहाँ पर हमारा रोटेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। अब हम लोग यहाँ पर चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है S के लिए क्या होता है हमारा एंटी होता है, R के लिए हमारा क्या होता है, क्लॉक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट हो रहा है या रोटेशन जो हो रहा है वो हमारा कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। किस तरीके से क्लॉकवाइज हो रहा है, तो आपको अच्छे से पता है क्लॉकवाइज मींस क्या है, इस तरीके से हो रहा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा क्या है सेकंड है, ये हमारा क्या है थर्ड है, और ये हमारा क्या है फोर्थ। इसको और अच्छे से बना दूं क्या, वेट, इस तरीके से होगा, ठीक है, फर्स्ट, फिर हमारा सेकंड, फिर हमारा थर्ड, फिर हमारा फोर्थ। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, इजिली हो गया, ठीक है। फर्स्ट सबसे ज़्यादा किसका एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन, तो फर्स्ट, उसके बाद C2H5, सेकंड, फिर थर्ड हमारा CH3, फोर्थ हमारा हाइड्रोजन। अब ये जो हमारा रोटेशन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर अपोजिट वाला कोई केस नहीं है, तो मींस क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका कॉन्फिग्रेशन क्या होगा हमारा, आर ही होगा, कॉन्फिग्रेशन इसका क्या होगा, आर होगा। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया अच्छे से। तो यहाँ पर हमने देखा इसका हमारा कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा था, S आ रहा था, बट उसका अपोजिट हो जाएगा, तो R था इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी कितना था, R था। क्लियर हो गया इतना, समझ में आया अच्छे से। अब 9 वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में है नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन, तो फिर इसको हटाते हैं। फिर 10th क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ NaCl, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ये भी आपके सिलेबस में क्वेश्चंस नहीं है। तो टोटल आपको यही 8 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का हमने डिस्कस कर लिया, ये आपका था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस थे अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस हैंडल करने हैं। अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं आया समझ में, कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट में बताओ मुझे, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।